मेरे भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे भाइयों एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। इस वीडियो में लेकर के आया हूं मकर राशि का मार्च 2020 का भविष्य। अगर आपकी राशि मकर है या आपकी लग्न मकर है तो कैसे हैं आप, जिज्ञासा आपके अंदर भी होगी। मकर राशि का जो भी जातक होता है बहनों भाई, देवी देवताओं के प्रति, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रखने वाला होता है, आस्थावान होता है। भूत प्रेत इत्यादि को भी मानता है, धर्म को मानता है, दिल से मानता है, प्रबल आत्मविश्वासी होता है। मकर राशि का जो भी जातक होगा प्रबल आत्मविश्वासी होगा, लेकिन परम गोपनीय भी होता है और यही उसका विशिष्ट गुण है। अगर मकर राशि का व्यक्ति अपनी गोपनीयता भंग कर दे, अपने करने वाले कामों को या अपनी योजनाओं को अगर प्रकट कर दे तो कहीं ना कहीं योजनाओं में फेल हो जाता है और वो सफल नहीं हो पाता है। तो मकर राशि का ये विशिष्ट गुण है कि ऐसे जातकों को अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए और ये गुण आपके अंदर जन्मजात है। उर्वरक मस्तिष्क होता है, प्रबल मेधा शक्ति होती है, एक साथ कई कार्यों को, कई योजनाओं को क्रियान्वित करने की शक्ति भी आपके अंदर हो, ऐसे हैं आप। लेकिन कभी कभी आप अपना बड़प्पन दिखाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, इसलिए धन का अभाव भी महसूस करते हैं। जवान पर लगाम आपके रहती नहीं है, क्रोध आ जाए तो जबान पे लगाम नहीं, लिहाजा दुश्मन भी बहुत। चलिए बताता हूं मार्च 2020 का क्या ग्रह गोचर आपकी राशि पर है। तो इस माह की शुरुआत से ही धन और परिवार सुख में कमी महसूस करेंगे, भाइयों और बहनों के सुख में कमी महसूस करेंगे। फिजूल खर्ची से मानसिक तनाव हो सकता है। इस महीने कभी कभी अचानक सर में दर्द हो सकता है, कभी ज्यादा और कभी कम ऐसा हो सकता है। 14 मार्च के बाद स्थितियों में थोड़ा सुधार आएगा, लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी, धन लाभ की स्थितियां मजबूत बनेंगी। इस महीने कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपके सर पर आ सकती है, या हो सकता है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई बड़ा पद भी आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। यात्राएं करनी पड़ेंगी, जरा सी लापरवाही कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारियों की प्रताड़ना भी मिल सकती है। बाहरी लोगों से, बाहरी स्थानों से लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में क्लेश की स्थितियां आपके बन सकती हैं, व्यापार में भी क्लेश की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन ऐसा परमानेंट नहीं रहेगा। पूरे महीना बनेगी, फिर सुधरेंगी, फिर बनेंगी, फिर स्थितियां सुधरेंगी, इस तरह का चलता रहेगा, मिश्रित स्थितियां रहेंगी। पारिवारिक धन लाभ और पारिवारिक सहयोग, ये दोनों आपको इस महीने ठीक रहेंगे। यश आपका बढ़ेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कहें तो थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है, सरदर्द की वजह से भी आपको शिथिलता हो सकती है। खर्च आपके बढ़ेंगे जरूर इस महीने, लेकिन ईश्वरीय कृपा से खर्च की व्यवस्थाएं भी स्वतः पूरी हो जाएंगी। व्यापारियों को अपेक्षित लाभ मिलने में यद्यपि परेशानियां आएंगी, पर व्यापार वृद्धि का अगर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। कार्य विस्तार होगा, माह के अंत में तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को,
जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनको अच्छे लाभ मिल सकते हैं या कुछ अच्छी स्थितियां उनके सामने आ सकती हैं। मानसिक चिंता और क्रोध ये भी बढ़ेगा। सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से आपको करते रहना चाहिए, कम से कम हर शनिवार को तो जरूर करना चाहिए। ये महीना ऐसा है बहनों भाइयों कि अगर साहस हिम्मत और परिश्रम इनका साथ लेकर के आप किसी कार्य को करते हैं तो इस माह असंभव कार्य को भी आप संभव बनाने की क्षमता रखते हैं। बहुत अधिक स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, जबान पर नियंत्रण रहना चाहिए। ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपको नियमित करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। गणपति मंत्र का अगर जप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। गणपति मंत्र का जप भी आपको करना चाहिए। 9, 10, 11, 15, 16, 27 और 28 ये तारीख है, कम अच्छी है, इन पे थोड़ा सा सावधानी आवश्यक रहेगी। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता।